आटे के जो डिस्ट्रीब्यूशन बारे शिकायत थी उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जा चुकी है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही है और उसमें जैसे भी आदेश विभाग के अधिकारियों के अगेंस्ट आएंगे आपको उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअली कई साथियों ने मेरे से ये सवाल अलग अलग समय पर पूछा है। उसके बाद किसी प्राइवेट दुकान पर आटे मिलने से संबंधित भी शिकायत जिले में मिली, छापा भी मारा गया उस पर। संबंधित जो भी लोग उसमें शामिल हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और विभाग के तरफ से भी इसकी जांच जारी है। जो भी डिपो होल्डर्स इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सर। इसमें अधिकारियों उन्हीं अधिकारियों को जांच सौंपी गई है जो बीच में इसमें शामिल हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के, तो वो कैसे सर असली डिपो होल्डर्स को बचा रहे हैं? देखिए इस संबंध में इसमें जो आपका विषय है कि महकमे के वही अधिकारी जांच कर रहे हैं, इस बारे में एक बार जब प्रिलिमिनरी जांच उनकी आएगी उसके बाद इसकी इंडिपेंडेंट भी हमारे जो बाकी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करने के आदेश के लिए प्रेषित की। क्योंकि आटा ही नहीं सर, तेल की बोतलें जो हैफेड की बोतलें होती हैं उस पर लिखा होता है कि फॉर सेल इन पीडीएस ओनली, वो हर करियाने की दुकान पर अवेलेबल होती हैं, उनको भी एक 10-10 पेटियां 20-20 पेटियां वो भी जो है बेची जा रही हैं, मतलब उस पर कार्रवाई खाद्य आपूर्ति विभाग की भूमिका ही संदेह के घेरे में है, तो अभी तक विजिलेंस के या किसी एक ईमानदार एजेंसी के हाथ क्यों नहीं दी गई जांच? देखिए यकीनन इस तरह की जो शिकायतें आई हैं उस पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इंडिपेंडेंट कई जांच मैंने बैठाई हैं, क्योंकि जांच अभी चल रही है इसलिए मैं आपसे उसका स्टेटस अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। परंतु खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अलावा भी इसमें राज्य सरकार की अन्य एजेंसी जांच कर रही है ताकि किसी भी तरह का इसमें भेदभाव या नॉन ट्रांसपेरेंसी की शिकायत ना हो। सर इसमें एक बात मेन ये सामने आई है कि रामनगर के एक डिपो होल्डर को लोडिंग अनलोडिंग का ठेका दिया गया है, वही जो है सारी गड़बड़ वहां से शुरू हो रही है। देखिए इस तरह की जो शिकायतें हैं इस पर फिलहाल टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा कि वाकई में इसमें क्या सच्चाई है क्योंकि जांच चल रही है, परंतु इस मंच से यह आश्वासन जरूर दे देता हूं कि इसमें विभाग के अधिकारियों के अलावा भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो इस चीज की जांच कर रही हैं इन सभी शिकायतों। ठीक, इसी आटा स्कैंडल के साथ साथ एक बड़ी प्रमुखता से सामने आया है जिसमें एसडीएम करनाल और उनकी एक टीम को जांच सौंपी गई है। मुझे आशा है कि 15 अगस्त के आसपास तक इसमें भी जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जैसे फैमिली आईडी बनाया जा रहा है, यूनिक फैमिली आईडी आर्थिक सर्वे किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर किसी का सर्वे नहीं हो रहा, मतलब घर जाके सर्वे की टीम थी पिछली बार भी सर्वे को कई